नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता, और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भोपाल की खजूरी सड़क थाना इलाके के सरेराह तीन बदमाशों ने पेट्रोल पंप के मैनेजर से 3 लाख रुपए से ज्यादा रकम भरा बैग छीन लिया। आरोपियों ने आवाज देकर फरियादी को रोका और आग में मिर्ची झोंक कर वारदात को अंजाम दिया गया है। खजूरी सड़क थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर हुलिया के आधार पर तीनों लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मनोज भावसार कैंपेन स्कूल के सामने भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल टैंक में बतौर मैनेजर जॉब करते हैं। डेली की तरह कैश जमा करने के लिए अपने दो पहिया वाहन से बैंक जाने के लिए निकले थे। अपने पेट्रोल पंप से करीब 300 मीटर की दूरी पर पहुंचते ही तीन युवकों ने आवाज देकर उन्हें रोका। फरियादी ने गाड़ी रोकी ही थी कि एक आरोपी ने उनकी आंख में मिर्ची झोंक दी। वह कुछ समझ पाते इससे पहले आरोपियों ने इनके पास में मौजूद बैग झपटा और फरार हो गए। बैग में डेली कलेक्शन के 3 लाख रुपए से भी ज्यादा थे। घटना की जानकारी के बाद एसपी सुंदर सिंह कनेश सहित तमाम लोग आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। मामले की जांच में क्राइम ब्रांच खजूरी सकर थाना और बैरागढ़ थाने की तीन टीमें जुटी हैं। खजूरी में एक पेट्रोल पंप के पास इस तरह की एक शिकायत मिली है, जिसमें पेट्रोल पंप से निकलते हुए व्यक्ति को कुछ लोगों ने पैसे छीन लिए। इसको तत्काल पुलिस ने गंभीरता से लिया है। इसमें कुछ लोगों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान करने की कोशिश की जा रही है, और आसपास की नाकेबंदी करके इसमें जगह जगह चेकिंग भी की जा रही है, ताकि आरोपियों को शीघ्र पकड़ा जा सके। कितने पैसे कुछ पूछताछ भी बेचने, इसमें अभी डिटेल फॉर्म से ली जा रही है। कुछ ऐसे लोग थे जो इनको जानते थे पहले से, और खासतौर पर इनकी पहले से मॉनिटरिंग कर रहे थे, और जैसे ही वहाँ से निकलते हुए इन लोगों ने घटना की। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जाँच कर रही है, और उम्मीद है कि आने वाले एक दो दिनों में उसका पर्दाफाश कर दिया जाएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।